बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, हम आज सुबह 9 बजे हाजिर हुए थे रिकाउंटिंग के लिए और अब रात के 11 बज गए हैं। 14 घंटे की जो है मुसलसल रिकाउंटिंग चली है यहाँ पे आरओ साहब के दफ्तर में, और उसमें 23 बैग खुले हैं। पहले पोस्टल बैलेट हुए और उसके बाद 23 बैग खुले हैं। उन 23 बैग के अंदर जो मजमूई तौर पे जो रिजल्ट रहा है उसमें ना होने के बराबर फर्क रहा है, बल्कि अगर मैं क्योंकि आखिरी 4-5 बैग में मौजूद नहीं था, 23 बैग तक मैं वहाँ पर मौजूद था। 23 बैग में मेरे 82 वोट कम हुए थे और गिलानी साहब के 160 वोट जो है रिजेक्ट हुए थे। उन्होंने दरख्वास्त दी डीआरओ साहब को, आरओ साहब को, कि जी मेरी तैयारी पूरी नहीं है, मेरे पास फॉर्म 45 पूरे नहीं है, इसलिए मैं सही तरीके से जो है अपनी रिकाउंटिंग नहीं करा सकता, तो कल सुबह तक मुलतवी की जाए इसकी कार्रवाई। मैंने उनका जमहूरी हक है रिकाउंटिंग कराना और उसको मद्देनजर रखते हुए उनकी एप्लीकेशन को मैंने एक्सेप्ट किया और मैंने उनको कहा कि जी इनको इजाज़त दे दी जाए कि ये तैयारी कर ले, ताकि कल को गिलानी साहब के दिल में कोई ऐसी बात ना रह जाए कि जी मुझे बुरी तरह से तैयारी नहीं करनी है, मुझे जो है ना मजरूह किया गया है मेरे जो एक डेमोक्रेटिक राइट है उसको। तो उन्होंने एप्लीकेशन में ये लिखा है कि मैं कल सुबह 8 बजे आऊँगा और 60 पोलिंग बैग्स की लिस्ट दूंगा और उन 60 पोलिंग बैग्स को मैं खुलवाऊंगा। अगर उन 60 पोलिंग बैग्स में 1000 से ज़्यादा का फ़र्क आया तो फिर मैं आइंदा और की गुजारिश करूँगा, अदरवाइज़ मैं उन 60 का रिज़ल्ट तस्लीम करूँगा और जो भी मजमूई तौर पर रिज़ल्ट बनता है उसको तस्लीम करूँगा। हकायक ये है कि अभी तक मेरी जो है 5,000-5,500 के लगभग की लीड है गिलानी साहब के ऊपर, तो जी 6,541 की लीड है। तो क्या सराइयाँ बहुत हो रही हैं, फेसबुक पे बातें हो रही हैं, लोगों ने वीडियोज़ भी अपलोड की हैं, लेकिन हकायक ये है 6,541 की मेरी लीड है। कल सुबह उन्होंने कहा है कि जी मुझे फॉर्म 45 प्रोवाइड कर दिए जाए, उन्होंने रिक्वेस्ट की आरओ साहब से, मैंने उनकी रिक्वेस्ट पे एग्री किया और उनको फॉर्म 45 की कॉपियाँ जो हैं 60 पुलिस स्टेशनों की वो हासिल हो गई हैं। वो उसके अंदर से कोई भी 60 अपनी मर्जी के, मैंने उनको ये पूरा उनको इख्तियार दिया है कि अपनी मर्जी से कोई भी 60 पोलिंग स्टेशन उसमें से चुन लें, उनको यहाँ पे आके कल सुबह हम खोलेंगे और उसका जो रिजल्ट निकलेगा उसमें से इंशाल्लाह फैसला होगा। गिलानी साहब ने ये कहा कि अगर 4 दिन लगे या 5 दिन लगे लेकिन फैसला ठीक आना चाहिए, आप क्या समझ रहे हैं कि कल दोबारा बुलाया कल तक फैसला हो जाएगा या मजीद 2 से 4 दिन लगेगा? 2 से 4 दिन मुमकिन नहीं है। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने ऑर्डर कर दिए हैं कि कल शाम को इसके फैसले होने हैं और परसों उन्होंने नोटिफिकेशन जारी कर दी है, क्योंकि एक सियासी अमल है जो आगे चलना है, नोटिफिकेशन होनी है, MLAs की सेशन कॉल होना है, खरफरदारी होनी है और दीगर जो मामला हैं वो होने हैं, तो किसी एक शख्स की वजह से पूरे पाकिस्तान के रिजल्ट नहीं रोके जा सकते। एक कानूनी शिक है इसके अंदर और वो कल शाम तक होनी है, इसीलिए उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए हमने भी गिलानी साहब से रिक्वेस्ट की थी। मैंने इस चीज़ से पहले शुरुआत के साथ उनको कहा था कि आप कोई भी 50-60 बैग खुलवा लें जो आप समझते हैं और किसी सैंपल दें, अगर खुदा ना खास्ता उसमें कोई ऐसी जो है निकले फ़र्क निकले तो फिर आप दीगर भी खुलवा सकते हैं। तब उन्होंने बात नहीं मानी। 14 घंटे की एक्सरसाइज करने के बाद आपके इल्म में है कि जो आरओ साहब का अमला है वो जितने उम्मीदवार हैं वो हमारे सपोर्ट रान हैं और जो फौज और पुलिस के एहलकार हैं वो 3 दिन से यहाँ पर मुसलसल खड़े हैं, दिन रात खड़े हैं, तो जाहिर है वो भी थके हुए हैं, उनका भी हमें एहसास करना है, हमारे भी दीगर हर किसी के अपने अपने काम मसाइल होंगे, तो उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए तब भी इनको ये कहा था, लेकिन अब उन्होंने जो है एप्लीकेशन दी है। मैंने बड़ी फराज दिली के साथ और इमरान खान साहब के पैगाम के ऊपर जो उन्होंने अपनी तकरीर में कहा था कि कोई भी अगर आप पोलिंग स्टेशन खोलना चाहें, कोई भी हलका खुलवाना चाहें, तो हम मनोमन को कबूल करेंगे, उस चीज़ को कबूल करते हुए उनकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट किया है और उनको मैंने जो है पूरा सपोर्ट किया है। और ये गिलानी साहब आपको बताएंगे अगर आप उनसे पूछेंगे कि उन्होंने जहाँ जहाँ डिमांड किया है हमने उनकी उस डिमांड को पूरी करने की कोशिश की है, ताकि कल को उनके दिल में कोई ऐसी बात ना रह जाए या वो कहीं आके मीडिया में या दीगर जगह प्लेटफॉर्म पर जाकर ये ना कहें कि जी मेरे साथ नाइंसाफी हो रही है। तो मेरे समझने में जमहूरियत के लिए भी ये अच्छा है, हमने भी अपनी तरफ से अपने कायद की बात को सराहते हुए एक बड़ेपन का मुजाहरा किया है और मैं उम्मीद करूंगा कि कल सुबह जब गिलानी साहब भी आएंगे तो वो जो उन्होंने 60 पोलिंग बैग्स का एप्लीकेशन दे के उसके ऊपर रिटर्न सिग्नेचर करके साइन करके एक मुआहदे पे जो एग्रीमेंट की है वो भी उसकी पासदारी करेंगे। अच्छा क्या कहेंगे कि वोट कम हो सकते हैं लेकिन जो NH57 है उसमें तो जीत आती होगी? यकीनन इंशाल्लाह जीत हमारी होगी। मैंने आपसे पहले आज की 6,541 की मेरी लीड है,
तो वो लीड जो है वो पांच पांच चार चार वोटों से तो नहीं कवर हो गई। गिलानी साहब की तसल्ली के लिए यकीन करें ये पूरा प्रोसेस जो है अली मूसा गिलानी साहब की तसल्ली के लिए किया जा रहा है, अदरवाइज लीड बड़ी वाजे है और इंशाल्लाह कल शाम को भी ये सीट, कल भी तहरीक इंसाफ की थी, कल भी तहरीक इंसाफ की।